हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम क्लास ट्वेल्थ के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को कंटिन्यू करने वाले हैं। हालांकि मैंने लास्ट वीडियो में ही बोला था कि इसको हम कंप्लीट करेंगे, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था तो मैंने आधा करके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करके उसके बाद छोड़ दिया था, जिसको अभी हम कंटिन्यू करने वाले हैं। और ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको एनसीईआरटी का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, जिसमें इसको ट्रांसलेट करके और कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, किससे क्वेश्चन आने के चांसेस है, उस सब के बारे में डिस्कस करती हूँ। तो अभी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टॉपिक 1.2 को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आइदर बाय द सेम इंडिविजुअल और बाय डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ द अपोजिट सेक्स। यानी कि कल लास्ट वीडियो में भी मैंने इसके डिस्कस किया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच का जो मेन डिफरेंस है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मेल एंड फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, या तो सेम इंडिविजुअल से, अगर बाईसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है तो एक ही इंडिविजुअल से दोनों का फॉर्मेशन हो सकता है, और अगर यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है तो डिफरेंट इंडिविजुअल से फॉर्मेशन होगा। दीज गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म द जाइगोट विच डेवलप्स टू फॉर्म द न्यू ऑर्गेनिज्म। और ये जो मेल और फीमेल गैमेट है ये फ्यूज होते हैं तो जाइगोट बनाते हैं, और जाइगोट जो है वो फिर नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखेंगे कि मेल और फीमेल गैमेट जो है वो हैप्लॉयड होगा और जो जाइगोट है वो डिप्लॉयड होगा। ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा जो है वो डिप्लॉयड है, कौन सा हैप्लॉयड है। तो आपके ऑप्शन में रहेगा एग स्पर्म या फिर मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, जाइगोट, ऐसे करके। तो मेल और फीमेल गैमेट जो है, यानी कि एग और स्पर्म जो है वो हैप्लॉयड होते हैं और जो जाइगोट है वो डिप्लॉयड होता है। इट इज़ एन एलाबोरेट कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस एज कम्पेयर्ड टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपेरिजन में ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो काफ़ी लेंदी, काफ़ी जटिल और स्लो प्रोसेस होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता है और उसमें टाइम भी कम लगता है, बल्कि जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर टाइम भी ज़्यादा लगता है और वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट्स इन ऑफस्प्रिंग दैट आर नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स और अमोंग देमसेल्व्स। क्या है, बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, यहाँ पे दो गैमेट फ्यूज हो रहा है, दो इंडिविजुअल का, एक फादर का एक मदर का, दोनों का गैमेट फ्यूज हो रहा है, इसीलिए जो ऑफस्प्रिंग है, जो बच्चे होते हैं वो आइडेंटिकल नहीं होते हैं किसी भी पेरेंट के। जैसे कि आप अपना एग्जांपल ले लो, आप जो है आपका फॉर्मेशन आपके फादर और आपके मदर दोनों के गैमेट से हुआ है, तो आपके अंदर फादर मदर दोनों के कैरेक्टर हैं, आप किसी एक के जैसे आइडेंटिकल नहीं हो, आप में कुछ कैरेक्टर आपके फादर के हैं, कुछ कैरेक्टर मदर के। तो वही कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो गैमेट होता है वो दोनों पेरेंट का होता है, फादर मदर दोनों का, मेल फीमेल दोनों का गैमेट होता है, इसीलिए जो बच्चे होते हैं, जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, वो किसी सिंगल पेरेंट के जैसे आइडेंटिकल नहीं होते हैं, उनमें उस ऑफस्प्रिंग में दोनों पेरेंट का कैरेक्टर होता है। ए स्टडी ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल्स और फंजाई शो दैट दो दे डिफर सो ग्रेटली इन एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी, व्हेन इट कम्स टू सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सरप्राइजिंगली दे शेयर अ सिमिलर पैटर्न। जब हम अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बारे में, वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, चाहे वो प्लांट है, एनिमल है या फिर फंजाई है, तो यद्यपि वो अलग अलग मॉर्फोलॉजी उनका होता है, मतलब बनावट होता है, उनका इंटरनल स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, फिजियोलॉजी उनकी अलग होती है, लेकिन जब सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात आती है तो सब में एक चीज़ सेम होता है कि गैमेट फॉर्मेशन तो होता ही है, चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल हो या फिर फंजाई हो, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो उनके अंदर गैमेट फॉर्मेशन तो होगा ही। लेट अस फर्स्ट डिस्कस व्हाट फीचर्स आर कॉमन इन दीज डाइवर्स ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं
कि क्या क्या कैरेक्टर जो है, फीचर जो है, वो इन सब ऑर्गेनिज्म में एक जैसे हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव टू रीच अ सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मेच्योरिटी इन देयर लाइफ बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन सभी को एक सर्टेन स्टेज पे, एक फिक्स स्टेज पे पहुंचना पड़ता है उनको, ग्रोथ और मेच्योरिटी यानी कि वो परिपक्वता जो है लाइफ की उसको गेन करनी पड़ती है, तब वो जाके सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर पाते हैं। दैट पीरियड ऑफ ग्रोथ इज़ कॉल्ड जुवेनाइल फेज। और वो फेज जैसे कि मान लो 17-18 ईयर जो है किसी ह्यूमन का, वो उसका जुवेनाइल फेज है, उस फेज में उसका ग्रोथ होता है, मतलब कि वो रिप्रोडक्टिवली कैपेबल उस टाइम नहीं है, लेकिन ये 16-17 ईयर तक वो उसका ग्रोथ होगा और उसके बाद जाके उसके अंदर प्रॉपर डेवलपमेंट होगा और वो रिप्रोडक्टिवली कैपेबल होगा। तो ये बचपन वाला जो एज होता है जिसमें आप डेवलप हो रहे होते हो, मेच्योर हो रहे होते हो, उसको बोला जाता है जुवेनाइल फेज। इट इज़ नोन एज वेजिटेटिव फेज इन प्लांट्स। अगर एनिमल की हम चर्चा करेंगे तो इसको हम जुवेनाइल फेज बोलेंगे, और प्लांट की चर्चा करेंगे तो वेजिटेटिव फेज। दोनों का मतलब सेम है, दोनों का जो डेफिनेशन होगा वो सेम होगा, लेकिन प्लांट के केस में जब प्लांट में बड़ा हो रहा होता है, उसका ग्रोथ हो रहा होता है, तो उसको हम वेजिटेटिव फेज बोलते हैं, और एनिमल के केस में जुवेनाइल फेज बोलते हैं। दिस फेज इज़ ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। और अलग अलग ऑर्गेनिज्म का जो जुवेनाइल फेज है, जो वेजिटेटिव फेज है, वो अलग अलग होता है। किसी ऑर्गेनिज्म का जुवेनाइल फेज जो है वो बहुत कम होता है, बहुत जल्दी वो रिप्रोडक्टिव फेज में पहुंच जाते हैं, और कुछ ऑर्गेनिज्म का जुवेनाइल फेज ज़्यादा होता है तो वो काफ़ी देर से रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर करते हैं। द एंड ऑफ जुवेनाइल और वेजिटेटिव फेज विच मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज कैन बी सीन इजली इन हायर प्लांट्स व्हेन दे कम टू फ्लावर। और ये जो जुवेनाइल और वेजिटेटिव फेज का एंड होता है, वो शुरुआत होता है रिप्रोडक्टिव फेज का। यानी कि मान लो ह्यूमन से अगर इसको हम रिलेट करेंगे तो जो 16-17 साल है तक है बचपन से, 16-17 ईयर्स तक आप जुवेनाइल फेज में होते हो, और उसके बाद जब 18-19 के एज में आप जाते हो तो आप रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर कर जाते हो, मतलब कि आप मैच्योर हो जाते हो, रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाते हो। तो इसीलिए ये लाइन लिखी है कि जुवेनाइल और वेजिटेटिव फेज का जो एंड है वो किसका शुरुआत कराता है, रिप्रोडक्टिव फेज का। फ्लावर के अंदर, प्लांट्स के अंदर जब फ्लावर का फॉर्मेशन होने लगता है, मतलब कि वो रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर कर जाते हैं। ऑब्जर्व द फ्यू ट्रीज इन योर एरिया, डू दे फ्लावर ड्यूरिंग द सेम मंथ ईयर आफ्टर ईयर? व्हाट डू यू थिंक द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रूट्स लाइक मैंगो, एप्पल, जैक फ्रूट ईटीसी इज सीजनल? आर देयर सम प्लांट्स दैट फ्लावर थ्रू आउट द ईयर एंड सम अदर्स दैट शो सीजनल फ्लावरिंग? कुछ प्लांट होते हैं जो सीजनल फ्लावरिंग उनके अंदर होती है, फ्रूट फॉर्मेशन किसी पर्टिकुलर सीजन में होता है, जैसे कि मैंगो है गर्मी के सीजन में होगा, तो ये सारे के एप्पल है, ये सब एक सीजन में, किसी एक सीजन में इनका जो है फ्रूट निकलता है। वहीं कुछ और ऐसे होते हैं जिनका पूरे साल निकलता है फ्रूट। तो वही लिखा है यहाँ पे कि प्लांट्स द एनुअल एंड बाइनियल, और उस पूरे साल और सीजनल के बेसिस पे जो प्लांट्स हैं वो एनुअल और बाइनियल टाइप के होते हैं। और ये जो प्लांट है वो क्लियर वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव और सीनेसेंट फेज दिखाते हैं। वेजिटेटिव मतलब वो फेज जिसमें प्लांट ग्रो कर रहे होते हैं, मैच्योर हो रहे होते हैं। रिप्रोडक्टिव फेज वो फेज होता है जिसमें प्लांट जो है वो रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल होता है, या फिर एनिमल की भी बात करेंगे तो वो भी। और सेनेसेंट फेज बोलते हैं बुढ़ापा को, ओल्ड एज जो हो गया, ओल्ड फेज जो हो गया जिसमें कि रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है। तो जो एनुअल और बाइनियल टाइप के प्लांट होते हैं जो साल में एक बार या दो बार फल देते हैं, फूल देते हैं, तो उनके अंदर वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव और सेनेसेंट फेज जो है वो क्लियर दिखता है। बट इन पेरिनियल स्पीसीज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू क्लेरिफाई, डिफ़िकल्ट टू क्लियरली डिफाइन दिस फेजेस। लेकिन जो पेरिनियल स्पीशीज़ होते हैं, पेरिनियल मतलब जो पूरे साल जिनमें फल आता है, तो उसमें बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव और सेनेसेंट फेज का पता लगा पाना।
few plants exhibit unusual flowering phenomena. Some of them, such as bamboo species, flower only once in their lifetime, generally after 50 to 100 years, produce large number of fruits and die. याद रखिएगा, ये आपके एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आता है, बोर्ड एग्ज़ाम में खासकर, कि जो बेम्बू स्पीशीज़ होते हैं वो 50 से 100 साल के बाद, मतलब कि जब से बम्बू प्लांट बनता है उसके 50 से 100 साल के बाद वो पूरे लाइफ में एक बार फ्रूट का फॉर्मेशन करता है, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है. अनदर प्लांट एस्ट्रोबिलेंथस पुंथियाना नील कुरेंजी फ्लावर्स वंस इन 12 ईयर्स. और ये जो एस्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना है वो 12 साल में एक बार फ्लावर देता है. एज मैनी ऑफ यू वुड नो, दिस प्लांट फ्लावर ड्यूरिंग सेप्टेम्बर अक्टूबर 2006. इट्स मास फ्लावरिंग ट्रांसफॉर्म्ड लार्ज ट्रैक्स ऑफ हिली एरियाज इन केरला कर्नाटका तमिलनाडु इनटू ब्लू स्ट्रेचेज एंड attracted a large number of tourists. तो इसका जो फ्लावर होता है वो बहुत attracting होता है, और केरला कर्नाटका तमिलनाडु यानी कि साउथ में इसके जो हैं फ्लावर वो आते हैं. साउथ एरिया जो है हमारे कंट्री का, साउथ का स्टेट जो है उसके हिली एरियाज में ये फ्लावर जो आते हैं ब्लू कलर के होते हैं, और ये इतने सुंदर लगते हैं कि बहुत सारे टूरिस्ट को ये अट्रैक्ट करते हैं. इन एनिमल्स द जुवेनाइल फेज इज़ फॉलोड बाई मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस प्रायर टू एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर. एनिमल्स के अंदर बहुत सारे मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी यानी कि बाहर और अंदर के बनावट में चेंजेस होता है, और तब जाके जो ऑर्गेनिज्म है, जो इंडिविजुअल है, वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो पाता है. द रिप्रोडक्टिव फेज इज ऑल्सो ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. अलग अलग ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्टिव फेज जो है वो वेरी करता है, सबका एक जैसा नहीं होता है, किसी का कुछ तो किसी का कुछ रहता है. कैन यू लिस्ट द चेंजेस सीन इन ह्यूमन बींग्स दैट आर इंडिकेटिव ऑफ रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी. तो आप मेल और फीमेल के अंदर यानी गर्ल और बॉय के अंदर अलग अलग रिप्रोडक्टिव चेंजेस देखते हो, जैसे कि बॉयज़ का बियर्ड और मस्टके का आना, उसके बाद उनका जो बॉयज है उनका आवाज़ भारी हो जाता है, प्यूबिक हेयर्स आ जाना, आर्म में हेयर्स आ जाना, तो ये सारे जो हैं वो बॉयज़ के चेंजेस होते हैं. फीमेल की बात करेंगे तो मेमरी ग्लैंड का जो डेवलपमेंट है वो एक रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी का इंडिकेटिव है. तो ये सारे जो हैं फीमेल का जो है वो वॉइस जो है वो हाई पिच का हो जाता है, तो ये सारे इंडिकेटिव हैं रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी के. अमॉन्ग एनिमल्स फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स, डू दे ले एग्स ऑल थ्रू ईयर. अगर हम एनिमल की बात करेंगे, एनिमल में बर्ड्स की बात करेंगे, तो क्या ये पूरे साल अंडे देते हैं, और इज़ इट अ सीजनल फिनोमिनल, या फिर ये कोई सीजनल फिनोमिनन है. व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स लाइक फ्रॉग्स एंड लिजार्ड्स. फ्रॉग्स और लिजार्ड्स के बारे में क्या है, यू विल नोटिस दैट बर्ड्स लिविंग इन नेचर ले एग ओनली सीजनली. तो अगर आप इन सब नेचर को बहुत पास से देखोगे और नोटिस करोगे, तो जो बर्ड्स हैं वो एक बार ही जो है वो सीजन में एक बार ही एग ले करती है, उनका जो सीजन होता है ब्रीडिंग सीजन उसमें वो एक बार ही एग ले करती है. हाउएवर बर्ड्स इन कैप्टिविटी, लेकिन पोल्ट्री फार्म के अंदर जो मुर्गी होती है वो थ्रू आउट द ईयर मतलब कंटिन्यूसली एग प्रोडक्शन करते रहती है. इन दिस केस लेइंग एग इज़ नॉट रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन, लेकिन वहाँ पे उसको इंड्यूस कराया जाता है तो वो रिप्रोडक्शन का केस नहीं होगा. पोल्ट्री फार्म के अंदर जो जो एग प्रोडक्शन होता है उसको हम रिप्रोडक्शन के अंदर नहीं रखेंगे, क्योंकि वो कॉमर्शियल यूज़ के लिए बर्ड्स का एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है. द फीमेल्स ऑफ प्लेसेंटल मैमल्स एग्जिबिट साइक्लिक चेंजेस इन द एक्टिविटीज ऑफ ओवेरीज एंड एसेसरी डक्ट्स एज वेल एज हॉर्मोन्स ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेज. प्लेसेंटल मैमल जो होते हैं उनके अंदर साइक्लिक चेंजेस होता है उनके ओवरी के अंदर और एसेसरी डक्ट्स के अंदर, और कुछ हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस होते हैं रिप्रोडक्टिव फेज में. इन नॉन प्राइमेट मैमल्स लाइक काउज, शिप, रैट्स, डियर, डॉग्स, टाइगर, ईटीसी सच साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग
रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड एस्ट्रस साइकिल। तो देखो, प्लेसेंटल एनिमल जो होते हैं उनके अंदर कुछ साइक्लिकल चेंजेस होते हैं, और प्लेसेंटल एनिमल में जो नॉन प्राइमेट होते हैं उनके अंदर रिप्रोडक्शन जो है रिप्रोडक्शन वाले फेज में एस्ट्रस साइकिल चलता है, लेकिन जो प्राइमेट्स होते हैं जैसे कि मंकी, एप्स, ह्यूमन, उनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है। आप याद रखिएगा, प्लेसेंटल एनिमल जो हैं उनके फीमेल में साइक्लिक चेंज होता है, और ये दो टाइप के होते हैं, नॉन प्राइमेट और प्राइमेट। आप एग्जांपल भी इसका याद रखेंगे कि नॉन प्राइमेट के अंदर काउ, शिप, रैट, डियर, डॉग, टाइगर होता है, और प्राइमेट्स के अंदर मंकी, एप्स, ह्यूमन। और जो नॉन प्राइमेट होते हैं उनके अंदर एस्ट्रस साइकिल चलता है, और जो प्राइमेट होते हैं उनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है। मेनी मैमल्स स्पेशली दोज लिविंग इन नेचुरल वाइल्ड कंडीशन एग्जिबिट सच साइकिल ओनली ड्यूरिंग फेवरेबल सीजन्स इन देयर रिप्रोडक्टिव फेज एंड आर देयर फॉर कॉल्ड सीजनल ब्रीडर्स। तो ज़्यादातर जो मैमल होते हैं, खासकर अब जो अपने नेचुरल हैबिटाट में रहते हैं, यानी कि मान लो वाइल्ड एनिमल है, जंगल में रहते हैं, तो उनका साइक्लिकल चेंज जो है उनके फेवरेबल सीजन में होता है, जो उनका रिप्रोडक्शन के लिए फेवरेबल सीजन होता है, और उनको हम सीजनल ब्रीडर कह सकते हैं। मेनी अदर मैमल्स आर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव थ्रू आउट द रिप्रोडक्टिव फेज एंड हेंस कॉल्ड कंटिन्यूअस ब्रीडर। तो ऐसे मैमल जो पूरे हमेशा पूरे साल रिप्रोडक्टिव फेज के लिए एक्टिव रहते हैं उनको हम कंटिन्यूअस ब्रीडर कहते हैं, और जो किसी पर्टिकुलर सीजन में होते हैं उनको हम सीजनल ब्रीडर कहते हैं। That we all grow old if we live long enough is something that we recognize, but what is meant by growing old? The end of reproductive phase can be considered as one of the parameter of senescence or old age. यानी कि अगर हम लोग अच्छे proper age तक जीते हैं तो reproductive phase का end जो है उसको आप कह सकते हो सेनेसेंस, यानी बुढ़ापा। कब कह सकते हैं? जब किसी इंडिविजुअल का, एनिमल का और प्लांट का रिप्रोडक्टिव फेज एंड हो जाता है, वो रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल नहीं रह पाता, तब हम बोलते हैं कि उसका सेनेसेंस और ओल्ड एज उसका हो गया है। दिस इज अ कॉन्कोमिटेंट चेंज इन द बॉडी लाइक स्लोइंग ऑफ मेटाबॉलिज्म। और क्या होता है कि जब एज ज़्यादा हो जाता है, जब हम ओल्ड होने लगते हैं, तो जो बॉडी के मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो स्लो हो जाते हैं, मतलब कि जो ओल्ड एज के पर्सन होते हैं वो काफ़ी स्लो हो जाते हैं। तो ये सारे जो है उनके मेटाबॉलिज्म स्लो होने की वजह से होता है। ड्यूरिंग दिस लास्ट फेज ऑफ लाइफ स्पैन ओल्ड एज अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ। और ये जो है सेनेसेंस जो है, ओल्ड एज जो है, वो लाइफ का लास्ट फेज है, और इसके बाद पर्सन की जो है डेथ हो जाती है। In both plants and animals, hormones are responsible for the transition between three phase. Plant और animal दोनों के अंदर ये जो तीन phase हैं, first juvenile phase जो है, vegetative phase जिसको कहते हैं, उसके बाद reproductive phase और third is senescence phase, इन तीनों phase के लिए चाहे वो plant हो चाहे वो animal हो, hormone responsible होता है। Interaction between hormones and certain environmental factor regulate the reproductive processes and the associated behavioral expressions of organism. हार्मोन और environmental factor जो है मिल के ये सारे रिप्रोडक्टिव processes को और बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म को एसोसिएट करते हैं। इवेंट्स इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर अटेनमेंट ऑफ मेच्योरिटी गेन करने के बाद ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट इवेंट्स एंड प्रोसेसेज दैट हैव रिमार्केबली फंडामेंटल सिमिलैरिटी इवन दो द स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर इंडीड वेरी डिफरेंट। मैच्योरिटी अटेन करने के बाद जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म हैं वो एक इवेंट, एक प्रोसेस जो है उसको एग्जिबिट करते हैं, यानी कि शो करते हैं। हालांकि वो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनका स्ट्रक्चर अलग है, लेकिन फिर भी जो रिप्रोडक्टिवली जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक
क्या उसको बोलेंगे, कैरेक्टर को एक्सप्रेस करते हैं। द इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो इलेबोरेट एंड कॉम्प्लेक्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है, जो इवेंट है, वो काफ़ी जटिल है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, फॉलो अ रेगुलर सिक्वेंस, और पूरा एक सिक्वेंस के साथ होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे कैरेक्टराइज होता है, मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड एम्ब्रियोजेनेसिस, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट का, ये मेल गैमेट है, ये फीमेल गैमेट है, दोनों का फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा, फिर जाइगोट का डेवलपमेंट होगा और एम्ब्रियो बनेगा, और फिर एम्ब्रियोजेनेसिस होगा और प्रॉपर जो इंडिविजुअल है उसका डेवलपमेंट होगा। फॉर कन्वीनियंस दिस सिक्वेंशियल इवेंट्स में बी ग्रुप्ड इंटू थ्री डिस्टिंक्ट स्टेजेस, नेमली प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो ये जो गैमेट का फॉर्मेशन है, मेल गैमेट का और फीमेल गैमेट का, इसको हम प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर रखेंगे, जिसके अंदर मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद मेल और फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन के बाद जो जाइगोट बनेगा, इसको हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनता है, उस जाइगोट का डेवलपमेंट एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियोजेनेसिस का पूरा जो फिटस का डेवलपमेंट होता है, इसको हम रखते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। तो ये प्री फर्टिलाइजेशन हो गया, जिसके अंदर एग का और स्पर्म का, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट का प्रोडक्शन होगा। उसके बाद होगा फर्टिलाइजेशन, जिसमें कि मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा। फिर होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जिसमें कि उस जाइगोट का प्रॉपर डेवलपमेंट होगा। अब एक एक करके हमको यहाँ पे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फिर फर्टिलाइजेशन इवेंट और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट को डिस्कस करना है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि टॉपिक काफ़ी लेंदी हो जाएगा, और इसके पहले वाला जो टॉपिक था उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप अच्छे से एक बार इस पूरे चैप्टर को समझ लेंगे तो आपका सारा आंसर जो है वो सॉल्व हो जाएगा। और उसके बाद और भी एक दूसरे चैप्टर्स का इस तरीके से मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूँगी।